चर्चित एडसमेटा गोलीकांड की 10वीं बरसी पर मुठभेड़ में मारे गए ग्रामीणों को याद किया गया। दरअसल साल 2013 में सुरक्षा बलों व माओवादियों के बीच एडसमेटा गांव में हुई कथित मुठभेड़ में 3 बच्चों समेत 8 ग्रामीणों की मौत और उसके बाद 14 मार्च 2022 को विधानसभा के पटल पर रखी गई जस्टिस वी के अग्रवाल कमीशन की रिपोर्ट को लेकर एडसमेटा में न्याय दिलाने आदिवासियों का संघर्ष जारी है। गंगालूर से लगभग 15 किलोमीटर दूर एडसमेटा गाँव जहाँ मृतकों की स्मृति में स्मारक किया गया है, वहीं सैकड़ों ग्रामीण श्रद्धांजलि देने जुटे। नरसंहार और न्याय को लेकर आदिवासियों का गुस्सा फूट पड़ा। पिछले 10 सालों से लड़ रहे ग्रामीणों ने कांग्रेस के कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा, क्षेत्रीय विधायक विक्रम की खामोशी पर जमकर तंज कसा। गौरतलब है कि तब विपक्ष में रही कांग्रेस ने वर्तमान आबकारी मंत्री कवासी लखमा के नेतृत्व में एक जांच दल बनाया था। घटना के बाद राज्य सरकार ने ग्रामीणों के लगातार विरोध के मद्देनजर घटना की जांच के लिए न्यायमूर्ति वी के अग्रवाल की अध्यक्षता में न्यायिक आयोग का गठन किया था। वहीं जस्टिस अग्रवाल कमीशन की यह रिपोर्ट माह सितंबर 2021 को ही कैबिनेट के सामने प्रस्तुत कर दी गई थी, जिसे 6 माह बाद राज्य विधानसभा में प्रस्तुत किया गया, जिसमें मृतकों को माओवादी मानने से आयोग ने इनकार किया है। रिपोर्ट का आधार बनाकर पीड़ित पक्षों को न्याय दिलाने की ग्रामीण 10 सालों से लड़ाई जारी रखे हुए हैं, जिसमें मृतकों के परिजनों को 1-1 करोड़ और घायलों को 50-50 लाख मुआवजा देने की मांग उठ रही है। वहीं नरसंहार के लिए जिम्मेदार दोषी अफसरों पर व जवानों पर कार्रवाई की मांग की गई है। यहाँ पे उसी मुद्दे को लेकर तो 2013 और 17 मई उसी को लेकर और उसी दिन जैसे जिस दिन वो घटना घटी तो उसी को याद करते हुए यहाँ पे हमारा यहाँ पे 26 हो रहा है। मतलब वहाँ पे विजय पंडो में घटना घटी थी ना, वो तो 8 लोग मरे और 5 लोग घायल हुए, तो अंधाधुंध फायरिंग करके तो बेगुना आदिवासियों को मारा गिरा। कोवासी लखमा आए थे और विक्रम मंडी आए थे, क्या बोले? वो बोला है कि तुम्हारा मांगे हम पूरा करेंगे। तो क्या मांग पूरा हुआ? हुआ नहीं है, वो तो चोर है, क्योंकि वो तो हर बार में ये तो पूरा वादा करके जाता है कि वो चोर टाइप का बात करके निकल जाता है। समय घटना हुआ था और समय विधायक के दायित्व भी हम थे और एक सरकार के नाते भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तत्काल में न्यायिक आयोग बनाया था ताकि सच सामने आ जाए, और लेकिन कांग्रेस ने उसको राजनीतिक फायदा उठाने के लिए तमाम एलिगेशन लगाया, उसको फर्जी मुठभेड़ का नाम भी दिया। और कांग्रेस का जो दल थे उसमें आज प्रभारी मंत्री और आबकारी मंत्री कवासी लखमा जी और आज के बीजापुर के विधायक विक्रम मंडावी सहित तमाम जो दल जाकर ग्राउंड कासन दिया था कि कांग्रेस सरकार आएगी तो जो घटना हुआ है उसको हम उजागर करेंगे और जो भी होंगे तमाम जो चीज़ें जो भी राजनीतिक रूप से फायदा लेना था उन्होंने वहाँ पर घोषणा करके आया। लेकिन सरकार बन गई और न्यायिक रिपोर्ट 22 जब कांग्रेस सरकार थी तब न्यायिक रिपोर्ट पेश भी हुआ, न्यायिक रिपोर्ट उनके पास गया, पटल में पेश आज तक नहीं कर पाई मुझे लगता है सरकार। तो मुझे लगता है कि सिर्फ सत्ता पाने के लिए और कुछ भी आश्वासन दे के जब सरकार सत्ता में बैठी है, मुझे लगता है कि आज आज जो उनकी सरकार है जिन्होंने जो वादा किया था वो उनको करना चाहिए था।